अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। मखदूम शहाबुद्दीन वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद, परवेज अशरफ मुतबादिल उम्मीदवार होंगे, कागजात नामजदगी आज जमा कराएंगे। दुनिया न्यूज ने सबसे पहले खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाई। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन और मखदूम शहाबुद्दीन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के लिए सियासी जोड़ तोड़ में तेजी, पीपल्स पार्टी की हिमायत के लिए फजलुर रहमान भी मान गए। सदर जरदारी का पीर पगारा से राबता, काफली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के लिए तैयार। नवाज शरीफ ने कहा है कि गिलानी पहले घर चले जाते तो रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। तहरीक इंसाफ में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कराची में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी, मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से मजीद 6 अफराद की जिंदगी के चराग गुल हो गए। ठुल से सक्कर जाते हुए 5 ताजिर अगवा, बाजियाब कराने के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अफगानिस्तान में खुदकुश बम हमला, 3 अमरीकी फौजियों समेत 21 अफराद हलाक, 37 जख्मी हो गए। और अमरीकी टीवी शो ने मशहूर गुलकार जस्टिन बीबर के वर्ल्ड टूर का 2 एक साथ पर मबनी प्रोग्राम पेश कर दिया।